खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रमा जनसाधारणको सुविधाको लागि द्वारे सरकारको क्याम्प पुनः फेरि अतिरिक्त रूपमा राखिने जानकारी खरसाङ महकुमा शासक एजाज अहमदले पत्रकारहरूलाई दिएका छन्। निवेदन मिला था कि हम लोग से छूट गए तो हमने उन्हीं को चिन्हित किया है और कुछ ऐसे वार्ड हैं जो पीछे रह गए थे तो हमने वहां से भी लोगों को बुलाया हुआ ताकि जल्दी से जल्दी हम लोगों को यह सुविधा दे सके। सबका अभी नहीं हुआ है, अभी कुछ वार्ड्स बाकी रह गए थे उनको भी हमने पहले बुला लिया है। अगर उनमें से कुछ लोग जो पहले आके ये काम कराना चाहते हैं तो पहले भी आ सकते हैं, नहीं तो जो रेगुलर कैंप्स हमारे हो रहे हैं वो रेगुलर कैंप्स वैसे ही चलते रहेंगे, उनमें भी लोग आके अपना काम। जो चिन्हित किया गया वो इसीलिए चिन्हित किया गया है, उन्हीं लोगों को देख के मद्देनजर चिन्हित किया गया कि जो लोग छूट गए, जैसे एक नंबर वार्ड से कुछ लोग छूट गए हैं, दो लोग वार्ड से छूट गए हैं, चार हो गया, पाँच हो गया, जो हमने कवर कर लिया वो लोग छूट गए हैं, तो उन्हीं लोगों को चिन्हित करके केंद्र में रख के ये एडिशनल कैंप्स किए जा रहे हैं और उन्हीं लोग से निवेदन है कि जो लोग छूट गए हैं वो लोग को दोबारा मौका मिल रहा है, वो आए हमारे द्वारे सरकार कैंप में और अपना एप्लीकेशन अपनी चिट्ठी लेके आए और द्वारे सरकार स्कीम का लाभ उठाए। के लिए भी वीडियो साहब ने अपना बहुत सारे कैंप वेन्यूज़ और कैंप डेट सेलेक्ट किए हुए, उसके लिए मैं उनसे कहूँगा कि वो भी आप लोगों से संबंध संपर्क स्थापित करें और इसके संबंधित जो भी जानकारी हो वो आपको साझा करें। लोग जो पुराने कैंप्स हमारे हुए हैं, छः कैंप जो हमारे हो चुके हैं, उसमें कुछ लोग छूट गए हैं, जैसे कुछ लोग वार्ड नंबर वन के छूट गए हैं, कुछ वार्ड नंबर टू के लोग छूट गए हैं, तो उन्होंने हमसे निवेदन किया है कि हम कुछ एडिशनल कैंप करें ताकि जो लोग छूट गए हैं उनको भी मौका मिले। तो इसके मद्देनज़र हमने क्या किया है कि कुछ एडिशनल कैंप्स हमने करने की सोची है और हमने ट्राई किया है और हम उसके फॉर्मुलेशन कर रहे हैं और वो जैसे ही हमारे कैंप्स हो जाएंगे तैयार कर लेंगे, हम उसकी रूपरेखा जैसे ही बना लेंगे हम लोगों को बता देंगे कि हाँ उनके लिए जो लोग छूट गए हैं उनके लिए ये सारे एडिशनल कैंप्स किए जा रहे हैं। और उन लोगों से हमारा निवेदन है कि वो लोग जो द्वारे सरकार का लाभ नहीं लिए या छूट गए हैं वो लोग इस कैंप में आए और आके द्वारे सरकार का और उनके उसमें जो सारी स्कीम्स हम पश्चिम बंगाल सरकार दे रही है उसका लाभ उठाएं। वो छः दिन होंगे, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को और 10, 11, 12, और इसमें कुछ वार्ड्स हैं, चिन्हित वार्ड्स हैं, सारे लोगों के लिए ओपन नहीं किया गया है, कुछ चिन्हित वार्ड्स हैं वही लोगों को, मतलब उन लोगों से निवेदन किया जाता है कि उन्हीं वार्ड से वो लोग आएँ ताकि भीड़ ना हो, क्योंकि ये कोरोना का काल चल रहा है और हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी मेंटेन करना है, तो हम चाहते हैं कि कुछ लिमिटेड लोग आएँ जिससे भीड़ की दशा उत्पन्न ना हो और हमको लोगों को सुविधा देने में और उनको लाभ देने में हमको आसानी हो। जी, हमारा पहला जो एडिशनल कैंप है वो 3 तारीख को होगा जिसमें वार्ड नंबर 1 से 19 से और 20 से लोग आ सकते हैं। दूसरा 4 तारीख को होगा जिसमें वार्ड नंबर 2 से 17 से 18 से लोग आ सकते हैं। तीसरा कैंप 5 सितंबर को होगा जिसमें वार्ड नंबर 3 से 15 से और 16 से लोग आ सकते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल कैंप चौथा है वो होगा 10 सितंबर को जिसमें वार्ड नंबर 4, 5, 13, 14 से लोग आ सकते हैं। एक कैंप होगा 11 सितंबर को जिसमें से 6, 7, 11 और 12 नंबर वार्ड के लोग आ सकते हैं। और आखिरी कैंप जो होगा एडिशनल कैंप हमारा वो 12 सितंबर को होगा जिसमें 8, 9 और 10 वार्ड के लोग आ सकते हैं। इसके अलावा हमने भीड़ को कम करने के लिए 2 और एडिशनल वेन्यू साइट्स बनाई हुई हैं। एक वेन्यू है हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल ट्रेजरी बिल्डिंग SDO ऑफिस में, जहां लक्खी भंडार और स्वास्थ्य साथी, सिर्फ लक्खी भंडार और स्वास्थ्य साथी का फॉर्म्स या जो भी लाभार्थी जो लाभ लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा एक और हमने कैंप साइट बनाई है, जो वेन्यू है हमारा वो है सेंट हेलेन स्कूल प्लेग्राउंड, जो भी लाभार्थी जो लाभ लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा एक और हमने कैंप साइट बनाई है, जो वेन्यू है हमारा वो है सेंट हेलेन स्कूल प्लेग्राउंड, वहाँ पे भी सिर्फ लक्खी भंडार और स्वास्थ्य साथी, इन 2 स्कीमों का लाभ आप ले सकते हैं। बाकी जो नियमित स्कीमें जो द्वारे सरकार में चल रही हैं, जैसे खाद्य साथी, शिक्षाश्री, एक्कोश्री और लैंड रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, या फिर सामाजिक सुरक्षा योजना है बिना मूल्य का, और उसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारी की सारी जो रेगुलर स्कीम्स है द्वारे सरकार में, वो नियमित रूप से आपकी सेंट जोसेफ स्कूल में चलती रहेंगी
और जो हमारा रेगुलर कैंप है वो वैसे ही नियमित रूप से चलेगा, उसमें कोई बदलाव या कटौती नहीं की गई है। ये हमारे एडिशनल कैंप्स हैं, अतिरिक्त कैंप हैं जो लोग छूट गए थे उनके लिए।